एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमन्स प्राइमरी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं यूनिट 12 परसेंटेज। लास्ट क्लास में हमने किया था हाउ टू कन्वर्ट अ होल नंबर इनटू अ परसेंटेज। आज हम करेंगे फाइंडिंग द परसेंटेज, फाइंडिंग द परसेंट ऑफ अ नंबर। Let us start how to find the percent of a number. If I have a question number 1, find 30% of 60. मेरे को क्या 30% find out करना है, 60 का कितना होगा, तो कैसे करेंगे? Solution 30 परसेंट की जगह हमने क्या लगाया, 100 ऑफ 60। अब हम इसमें क्या करेंगे, 30/100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 60। अब हम इसको सॉल्ट आउट करेंगे। तो ऊपर हमने न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई किया तो 30 × 60 बिकम्स 1800/100। अब इसमें 100 कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां पर बनेगा 1, इसको करेंगे तो 18, इट बिकम्स 18, इट इज द 30% ऑफ 60। 60 का 30% हमारे पास कितना आया, 100, इट इज आवर आंसर। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन हेयर। किसी भी नंबर का परसेंट निकालना है, कितना हुआ वो हम इस मेथड से सॉल्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ आई हैव अ मिक्स फ्रैक्शन एज 16 × 3% ऑफ 1200, तो हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हमारे पास इसके सॉल्यूशन में क्या है, 16 × 3% ऑफ 1200 का करना है हमने, इसको हमने चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर। 16 × 3 = 48 + 2 = 50/3 परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास, जब भी हम परसेंट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई 100 ऑफ 1200। अब हम क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह आगे मल्टीप्लाई 1200, 3 × 100। अब हम इसमें चेक करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कैसे, ये 3 से डिविजिबल है, 3 × 1 = 3। अब यहां पर क्या गया, 3 × 4 = 12 और 2 × 0 = 400, 3 होता है 1200। अब हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, 100 × 1 = 100, 100 × 4 = 400। अब इनकी हमने मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 4 तो इट बिकम्स 200, इट इज आवर आंसर। ऐसे ही हमने सॉल्ट आउट करना है, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है ये नंबर है वो लिखेंगे, परसेंट की जगह पे हम उसको डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो हम उस नंबर का परसेंट कितना हुआ तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।